अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खुशी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का उकाड़ा में अचानक दौरा। उकाड़ा के इलाके सदगरा में अजीम जंगजू सरदार मीर चाकरे आजम के मजार पर हाजिरी दी और फातह खानी की और उनके मकबरे का अचानक दौरा किया। इनके काफिले के रूट पर जिले इंतजामिया और पुलिस फोर्स की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और 800 के करीब पुलिस फोर्स ड्यूटी पर तैनात थी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने फातह खानी की और मजार की तज़य्यन और आराइश की मजबूती का जायजा लिया। इस मौके पर इन्हें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया और ब्रीफिंग इंतजामिया को दी। उकाड़ा में होने वाले तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम का बोर्ड लगाया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की उकाड़ा आमद पर सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ चौधरी तारिक इरशाद और दीगर ने वालाहाना इस्तकबाल किया। वजीर आला ने क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सदगरा रोड का फेज वन मुकम्मल हो चुका है जबकि फेज टू जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उकाड़ा के लिए जल्द मेगा पैकेज भी ऐलान किया जाएगा। उन्होंने अवामी शिकायत पर सैदवाला लिंक रोड को फौरी तौर पर बनाने की हिदायत जारी की। DHQ अस्पताल उकाड़ा सिटी ए ग्रेड अस्पताल को बनाने के हवाले से यकीन दहानी करवाई जबकि उन्होंने उकाड़ा में सहाफियों की कॉलोनी बनाने का भी जल्द ऐलान करने का वादा किया। वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने रवाना हुए तो खातून ने दुहाइयां देते हुए वजीर आला उस्मान बुज़दार की गाड़ी रुकवा ली जिस पर वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने गाड़ी रोककर खातून की बात सुनी और DPO फैसल शहजाद को खातून का मसला हल करने की हिदायत जारी की। वजीर आला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की जानिब से सीनियर और मेयर आजम चाकरानी की कीमती पेंटिंग पेश की गई। बाज़दा उस्मान बुज़दार ने उकाड़ा रेस्ट हाउस में सिल्वर और पाम का पौधा लगाकर मानसून शजरकारी का इफ्तिताह किया और दुआ मांगी। वजीर आला पंजाब ने सिविल गेस्ट हाउस में PTI के टिकट होल्डर से मुलाकात भी की। इस मौके पर सदगरा में कत्ल किए जाने वाले शख्स की लवाही की इनकी बात सुनी और उनका नोटिस लिया और इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हुए DPO उकाड़ा से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।